नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है WWE नेक्स्ट चैनल में। दोस्तों, सोलो सिकोवा ने क्लैश एट द कैस्टल में सभी को सरप्राइज किया था। उन्होंने अपने भाई रोमन रीन्स को मैच जीतने के लिए मदद की। इसके बाद स्मैकडाउन में हमें सोलो सिकोवा इन रिंग डेब्यू करते हुए दिखे। दोस्तों, सोलो सिकोवा ब्लडलाइन में शामिल है। अब सोलो सिकोवा का अगला कदम क्या हो सकता है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चार ऐसी धमाकेदार चीजें जो सोलो सिकोवा को मेन रोस्टर में करनी चाहिए। नंबर 4, टाइटल पिक्चर में आना। दोस्तों, अभी के टाइम में सभी चैंपियनशिप्स ब्लड लाइन के पास है। दोस्तों, सोलो सिकोवा ने भी NXT में नॉर्थ अमेरिकन टाइटल हासिल किया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि सोलो सिकोवा को गंतर पर अटैक करके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चुनौती देनी चाहिए। दोस्तों, गंतर एक खतरनाक सुपरस्टार है, इनको हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन सोलो सिकोवा को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मौका मिलता है तो ब्लड लाइन सोलो सिकोवा को टाइटल जीतने के लिए मदद कर सकती है और सोलो सिकोवा डबल चैंपियन बन सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि NXT में सोलो सिकोवा का विनिंग स्ट्रीक गंतर नहीं तोड़ी थी। अगर सोलो सिकोवा और गंतर की मैच होती है तो सोलो सिकोवा को बदला लेने का मौका मिल सकता है। नंबर 3, सैमी ज़ेन पर करना चाहिए अटैक। दोस्तों, सैमी ज़ेन ब्लड लाइन की अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं। उन्होंने अब तक रोमन रीन्स, द उसोस की मदद की है, जबकि अब सोलो सिकोवा मेन रोस्टर में आए हैं। तो मुझे लगता है कि सोलो सिकोवा के आने के बाद द ब्लड लाइन को सैमी ज़ेन को बाहर करना चाहिए, वरना रोमन रीन्स सैमी की किसी गलती से अपनी चैंपियनशिप गंवा सकते हैं। इसलिए सोलो सिकोवा को सैमी ज़ेन पर अटैक करके पहले ही ब्लड लाइन से बाहर निकालना चाहिए। नंबर 2, अपने भाइयों की तरह विनिंग स्ट्रीक बनाना। जी हाँ दोस्तों, सोलो सिकोवा अभी मेन रोस्टर में आए हैं। सोलो सिकोवा को भी रोमन रीन्स और द उसोस की तरह विनिंग स्ट्रीक बनानी चाहिए। दोस्तों, सोलो सिकोवा ने NXT में जबरदस्त स्ट्रीक बनाई थी, इसे ही स्ट्रीक उन्हें मेन रोस्टर में बनानी चाहिए, जिससे उनकी गिनती एक खतरनाक सुपरस्टार में हो सकती है। नंबर 1, खुद को साबित करना चाहिए। दोस्तों, सोलो सिकोवा मेन रोस्टर में आए थे, अब इनको खुद को साबित करने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार से लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। इससे इनकी गिनती टॉप लेवल के सुपरस्टार में गिनी जाएगी और ये बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।